ये है जुरासिक पार्क। ये ट्रांसफॉर्मर वाली गाड़ी है जो रोबोट के अंदर कन्वर्ट होती है। वो वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल दोस्तों, मेरा नाम है सैफ पटेल और मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ सिंगापुर के इस आखिरी दिन आखिरी सफ़र में। सो यहाँ हम जाएंगे यहाँ की फेमस सुल्तान मॉस्क, उसका विजिट करेंगे, बार का मार्केट देखेंगे और फिर जाएंगे सीधा हम यहाँ का सबसे फेमस यूनिवर्सल स्टूडियो। सो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम सैफ पटेल, मैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और हर जगह आपको लेकर चलता हूँ घूमने के लिए। सो आज हम सिंगापुर में हम यहाँ पर सुल्तान मॉस्क ये विज़िट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सुल्तान मॉस्क सिंगापुर की एक प्रसिद्ध और पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद सिंगापुर के कैंपोन में स्थित है और ये एक इम्पोर्टेंट इस्लामिक रिलीजियस साइट है। ये मस्जिद अरब स्ट्रीट और नॉर्थ ब्रिज रोड के इंटरसेक्शन पर स्थित है। ये मस्जिद 1928 में बनाई गई थी और इसका नाम सिंगापुर के सुल्तानों की याद में रखा गया था। सुल्तान मॉस्क का निर्माण सिंगापुरी मुस्लिम समुदाय के लिए हुआ था और ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थल था और आज भी है। इस मस्जिद का आर्किटेक्चर काफ़ी आकर्षक है। ये मस्जिद मुगल आर्किटेक्चर को के साथ मॉडर्न एलिमेंट्स का भी मिश्रण है। इसकी छत पर एक गोल्डन डोम है जो कि मस्जिद को और भी आकर्षक बनाती है। ये एक सुंदर गार्डन और कोर्टयार्ड के साथ भी इक्विप्ड है जहां लोग आराम से नमाज अदा कर सकते हैं। सुल्तान मॉस्क सिंगापुर के एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी एक रूप है। यहां आने वाले लोग मस्जिद के सौंदर्य को देखने के लिए अक्सर आते हैं और यहां के छत से शहर की खूबसूरती का व्यू और उसका आनंद उठाते हैं। मस्जिद के आसपास आपके क्षेत्र में आपको कई सारी दुकानें भी मिल जाएगी जहां आप ट्रेडिशनल इस्लामिक आइटम्स और सुवेनियर्स खरीद सकते हैं अपने देश अपने दोस्तों के लिए ले जाने के लिए। सुल्तान मॉस्क सिंगापुर के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये शहर के रिलीजियस डाइवर्सिटी को भी दुरुस्त करती है। अगर आप सिंगापुर आ रहे हो तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस, काफ़ी खूबसूरत जगह है। अब यहाँ से हम निकल कर जाएंगे हमारी होटल की तरफ। हमने ड्राइवर को टैक्सी ड्राइवर को ऑलरेडी होल्ड पर रखा हुआ था, हमारा मीटर चल रहा था, काफ़ी अच्छा ड्राइवर था, उन्होंने होटल समय पिक कर यहाँ सुल्तान मॉस्क दिखाई और फिर हम वापस से होटल की तरफ चले। जैसे ही हम होटल पहुँचे, हमारे टूर पिकअप वाले हमारे पैकेज में जो इंक्लूड था वो डेस्टिनेशन पर ले जाने के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो हम फटाफट गाड़ी में बैठे और सीधे यहाँ पर आ चुके जो था यूनिवर्सल स्टूडियो। काफ़ी फेमस स्टूडियो है, ये बच्चों का सबसे हॉट फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर आने के लिए बच्चे त्रस्त हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जितने भी जो एनिमेटेड मूवीज़ जो बनती है हॉलीवुड में, उनके सारे के सारे यहाँ पर कार्टून्स वगैरह हर एक के यहाँ पर शो मिल जाएंगे। और ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पर एक प्लेस था जो खाने के लिए स्पेशल था, मलेशियन स्ट्रीट फूड था। यहाँ पर शायद हलाल नहीं था कोई ऑप्शन, फिर भी आपको अंदर किस तरह से ये स्ट्रीट फूड बनाया गया है वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस देख रहे हैं, स्पेशली गुजराती लोग घूम रहे हैं। घूमना भी चाहिए, कमाते किस लिए। सिंगापुर इतना एक्सपेंसिव नहीं है कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, मैंने जो चेक किया उसमें। तो ये देखिए, यहाँ पर लोग चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हैं, तीनों दिन स्टॉल चॉकलेट एंड आइसक्रीम। नेचुरल फ्रोजन योगर्ट सिंगापुर का कुछ साइन है। मैं एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ 7-Eleven, देखते कहाँ मिलता है। मिल गया जिसकी तलाश थी। हाँ, विन डीजल यहाँ रह गया था। ये मैडम के साथ है। यहाँ पर अलग अलग तरह के 7-Eleven वगैरह सब होता है। अगर आपको सर की गोली वगैरह कुछ चाहिए तो कन्वीनियंस स्टोर 7-Eleven है जिसको आप ऐसे ढूंढ सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ बिस्किट है, बात कर सकते हो। यह यूनिवर्सल स्टूडियो का मैप है। सो अब
अभी हम आ चुके हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में। यूनिवर्सल स्टूडियो जो कि शतोसागर पर स्थित है, एक प्रसिद्ध थीम पार्क है। ये यूनिवर्सल स्टूडियो का पहला थीम पार्क है जो एशिया में स्थापित किया गया था। ये 18 मार्च 2010 को पब्लिक के लिए ओपन किया गया था और इस थीम पार्क का कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2008 में शुरू किया गया था। ये पार्क काफ़ी बड़ा है और अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है, जिनमें से हर एक में अलग अलग थीम और राइड्स है। कुछ जोन में हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, साइफाई सिटी, एंशिएंट इजिप्ट, लॉस्ट वर्ल्ड, फार फार अवे, मडागास्कर शामिल है। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, आप हर जगह क्यू देख सकते हो, हर जगह क्यू है। अवॉइड करना सैटरडे संडे को आने को, पता नहीं किस चीज़ की क्यू है लेकिन इतनी लंबी क्यू है। हर जगह एक डेढ़ घंटा वेटिंग है, कुछ जगह तो दो दो घंटा वेटिंग है। पार्क में कई राइड्स और अट्रैक्शंस हैं, जिनमें से कुछ वर्ल्ड क्लास रोलर कोस्टर और 4D राइड्स भी शामिल है। यहाँ ट्रांसफॉर्मर, द राइड, जुरासिक पार्क, रैपिड एडवेंचर और रिवेंज ऑफ द ममी जैसे राइड्स काफ़ी लोकप्रिय है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर में आप हॉलीवुड के फेमस सेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ आपको रियलिस्टिक सेट्स मिलेंगे जो मूवी के सीन्स को रिक्रिएट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मर का पूरा सेट है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की सारी आपको इवेंट्स देखने मिलेगी और उनके सारे मॉडल्स भी देखने मिलेंगे आपको। ये ट्रांसफॉर्मर वाली गाड़ी है जो रोबोट के अंदर कन्वर्ट होती है, वो ये वाला ट्रांसफॉर्मर। मुझे ये रोलर कोस्टर राइड काफ़ी डेंजर लगती है, जो इंसान को पूरा उल्टा सीधा कर देती है, खाना पीना सब आपका बाहर आ जाता है। सो बी केयरफुल गाइस। फ्रोजन फ्यूल, जैसे गाइड ने बताया था, रोलर कोस्टर राइड है, फिर मम्मी का जो है सेक्शन वो, एंड ट्रांसफॉर्मर, ये तीन मेन चीज़ है, तीन चीज़ को मिस नहीं करना है। बाकी तो आप गए ना गए चलेगा, लेकिन लंबा लंबा टाइम मत बिगाड़िएगा। मम्मी वाला सेक्शन आपको खास जाना है। मैं नॉर्मली इस तरह की राइड्स में नहीं बैठ सकता, इसे देखकर ही मुझे चक्कर आने लगते हैं। सो नॉर्मली जब भी मैं इस तरह की उल्टी सीधी राइड्स में बैठता हूँ तो बाहर निकल के मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग होती है और पूरे दिन मेरा पूरा दिन बुरा ख़राब जाता है। कितने भी आप नींबू पानी पी लो या कुछ भी पी लो, लेकिन आपके चक्कर नहीं जाते। सो मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की राइड्स में बैठने के लिए, लेकिन डरावनी है। ये पूरा इजिप्ट का सेक्शन है। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा जो ममी, जो फिरौन के ज़माने में जिस तरह से ममी बनाए जाते थे, उस टाइप का पूरा स्टैचूज वगैरह मिलेंगे, सारे स्ट्रक्चर उस तरह से मिलेंगे। आपको पूरी यूँ ही लगेगा आप इजिप्ट में घूम रहे हो। ट्रेजर हंटर्स में तो सारे सारे अट्रैक्शन, आपको हर जगह जाना है। एक जुरासिक वर्ल्ड है, लॉस्ट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क। ये है जुरासिक पार्क, पूरा जुरासिक की थीम पे बना हुआ है। जुरासिक पार्क के अंडे, अगर आप बच्चों के साथ आते हो तो आप सारे राइड एंजॉय करोगे। फूड कोर्ट बंद हो गया है। फार फार अवे, मडागास्कर, हॉलीवुड, न्यूयॉर्क, रेस्टरूम, पार्क एग्जिट। वाटर वर्ल्ड, डायनासोर इज कमिंग। ये एक शो होता है वहाँ पर, जो नकली डायनासोर का बच्चा होता है, लेकिन वो हू बहू असली डायनासोर जैसा रिजेंबल करता है। ऑफ कोर्स उसको आप देखोगे, उसकी स्किन, उसके हाव भाव, उसकी आवाज़, हर चीज़ डायनासोर जैसे आपको दिखेगी यहाँ पर। ये काफी यूनिक प्लेस था। व्हाट अ लॉन्ग लाइन।
ये एक हलाल रेस्टोरेंट थी जहाँ से हमने दोपहर का खाना खाया फिर आगे बढ़े। इतना चलने के बाद हम थोड़ा थक चुके थे, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी ग्रीनरी और बैठने की जगह भी है, तो हम यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लिया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि साथ में पेरेंट्स भी थे, वो काफ़ी थक चुके थे। बच्चों की राइड्स थी, इंजॉय किया और आगे बढ़े। इस पार्क में एक स्पेशल शो है जिसका नाम है मडागास्कर बुगी। ये लाइव परफॉर्मेंस है जिसमें मडागास्कर के पॉपुलर कैरेक्टर्स डांस करते हैं और ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं। शेक की दुनिया से इंस्पायर पार्क में फार फार अवे, जो मैंने अभी आपको बताया, वो शेक की खास जगह है जिसमें शेक का कशल भी शामिल है। यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर रेगुलरली स्पेशल इवेंट्स और फेस्टिवल्स होस्ट करता है जिसमें नए नए अट्रैक्शन शोज और एक्टिविटीज शामिल होते हैं। जिस तरह आप अभी देख सकते हो, ये ममीज के ज़माने के कैरेक्टर्स है, उस टाइम पर इस तरह से सैनिक रहते थे। यहाँ पर साईफाई सिटी जोन में आइकॉनिक राइड है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर द राइड। ये 3D डार्क राइड है जिसमें गेस्ट ट्रांसफॉर्मर के साथ एक इमर्सिव एडवेंचर्स में जाते हैं, और यहाँ पर आप लाइव परफॉर्मेंस भी देख सकते हो इस तरह से सारे रोबोट्स का। मेरे पेरेंट्स काफ़ी थक चुके थे और हमें अभी काफ़ी और लंबा सफ़र बाकी था, तो हमने हमारा ये यूनिवर्सल स्टूडियो का ट्रिप यहीं ख़त्म किया और रिटर्न हो चुके थे। यहाँ से हमें जाना था हमारे होटल, और होटल से भी सामान कलेक्ट करना था, सामान कलेक्ट करने के बाद सीधा एयरपोर्ट जाना था और वहाँ से फिर सिडनी जाना था। तो काफ़ी लंबा सफ़र था और जो फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट भी कुछ सोच हुई थी। सो यहाँ से सफ़र स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट के लिए। डे 3 हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है सिंगापुर एयरपोर्ट में। अब हम यहाँ से फ्लाई करेंगे सिडनी कैलाश प्रभात अंजापुर अंजापुर इंडियन रेस्टोरेंट। सर ये तो इंडियन रेस्टोरेंट है और बर्गर किंग में शायद कम्प्लीटली हलाल है। ये तो रेस्टोरेंट के पास हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन बोलते हम हलाल सप्लायर के पास ही लाते हैं। फिर भी मैंने प्रेफर नहीं किया हलाल, सिंगापुर एयरपोर्ट पर नमाज के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधा है। यहाँ पर लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए अलग अलग प्रेयर रूम भी दिए गए थे यहाँ पर, और अंदर काफ़ी अच्छी सुविधाएं भी थी। आप ध्यान से नमाज पढ़ सकते हो अपने टाइम पर, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। प्रेयर रूम यहाँ पर है। GST रिफंड करानी हो आपको तो रोलेक्स का जो शोरूम है उसके पीछे GST आप रिफंड करा सकते हो। हमारी जो फ्लाइट है रात को 2 बजे की सिंगापुर से सिडनी। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ का सबसे पहले एक छोटा सा फिश एक्वेरियम। इसमें काफ़ी अच्छी छोटी छोटी सी फिश थी, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितना क्लीन वाटर है। यहाँ पर सिंगापुर एयरपोर्ट पर मैंने देखा वहाँ तक क्लीनिंग का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ में क्लीनिंग काफ़ी अच्छी रखी जाती है। आप देख सकते हो टैंक भी है, कितनी एकदम पानी एकदम साफ़ है, टैंक भी एकदम साफ़ सुथरी है। हर जगह आपको क्लीनिंग एकदम नंबर वन मिलेगा, आपको एकदम साफ़ सुथरा मिलेगा, इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट की गिनती में आता है ये सिंगापुर एयरपोर्ट। ये सामने जो दिख रहा है वो सिंगापुर का इमिग्रेशन काउंटर है। यहाँ पर इमिग्रेशन में कोई बंदा ही नहीं है, सब ऑटोमेटेड है। आप पासपोर्ट रखो और क्रॉस करो, कोई मगजमारी नहीं, इतनी स्पीड में काम होता है, पूछो मत। 2 मिनट में आप क्रॉस कर देते हो इमिग्रेशन, कोई क्यू ही नहीं है, एक भी बंदा क्यू में नहीं खड़ा। देख कितने सारे स्टेशन लगे हुए। नाइसली डन, वेल डन सिंगापुर। सिडनी ऑनबोर्डिंग। ये है स्कूड ऑल एयरलाइंस, कभी भी बुक मत करो, यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बाय करनी पड़ती है। अब मैंने उसको बोला वो चार्जिंग नहीं चल रहा है, बोले हाँ नहीं चलेगा, चार्जिंग चाहिए आपको $9 लगेगा। पानी हर एक चीज़ चार्जेबल है यहाँ पर, इवन ब्लैंकेट भी चार्जेबल है, और ना तो कोई स्क्रीन है एंटरटेनमेंट की, कुछ भी नहीं है। देखो इस तरह से आदम के ज़माने की सीन है, एयरलाइंस एक बहुत पुरानी है। सो स्कूड एयरलाइंस को प्रीफर मत करना। ए
एयरलाइंस में हमने जो खाना बुक किया था वो ये खाना था, ये हलाल खाना था, लेकिन उसका जो टेस्ट था वो एकदम बेकार था। खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। खाना तकरीबन मैंने 2 चम्मच दूधनी वाला खाए और फिर उसको वापस कर दिया कि भाई नहीं, मज़ा नहीं है। उसमें स्मेल सी अलग सी आ रही थी, सो उसमें मज़ा ही नहीं आया, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। अब देख सकते हो इतना सारा मैंने वापस भेज दिया। सो ओवरऑल मैं इस स्कूट एयरलाइंस को 1 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5, क्योंकि इसका सबसे पहली मेन चीज़ तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज है, उसके अंदर जो एमिनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो लंबी फ्लाइट के लिए, वो बिल्कुल भी नहीं है। हर एक चीज़ का चार्ज है, आप कंबल मांगो चार्ज है, पानी मांगो चार्ज है, और हर एक चीज़ का चार्ज है, क्योंकि आप जब बैठते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई आपको चीज़ें वहाँ पर फ्लाइट में मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज़ चार्जेबल है। और दूसरी चीज़, हमें बताया नहीं गया था कि हम ये बजट एयरलाइंस, एक्चुअली जब लो बजट आप ट्रैवल करना चाहते हो तो आप ये एयरलाइंस चूज़ करोगे, लेकिन हमें बताया नहीं गया था। हमने सिंगापुर एयरलाइंस बुक की थी और ये मिडल में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी सिडनी टू सिंगापुर टू सिडनी, इसकी वजह से ये एयरलाइंस हम आ गए। और मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ये एयरलाइंस को, आगे देखिए फिर से, बिल्कुल भी कोई एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको बहुत ही आपका पूरा सफ़र बेकार होगा। सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, प्लीज़ बुक मत करना इसे। आप देखिए ऊपर भी ये एयर होस्टेस है उनकी, और उसमें स्पेस भी काफ़ी कम थी यहाँ पर आजू बाजू की। ऐसा पुराने ज़माने का एयरक्राफ्ट था, तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।